आज को इस विशाल सभा का आदरणीय अध्यक्ष कमरेड मंच में नेपाली जनता को प्यारो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आदरणीय अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड जी हो पार्टी का वरिष्ठ नेता कमर तो झलनाथ खनाल जी हो मंच में उपस्थित पार्टी का स्थायी कमिटी केन्द्रीय कमिटी लगाय सिंगई बागमती अंचल नंबर प्रदेश सिंगई देश थोड़े संख्या में तर लाख लाख उपस्थिति यो संख्या कहीं पनी हो यो तक कास्टिंग हो कास्टिंग अहिले अगाड़ी को बाटो मात्रे भरी एको है, है ना दाईने तीर को बाटो मात्रे भरी एको है, है ना देवरे तीर को मात्रे बाटो भरी एको है, है यो टुडी खेल को पछाड़ी को पनी सिंगई एरिया भरी एको चा ऐस बड़ा था उन्चा जनता के चाहन केपी वाली का संविधान विरोधी कदम का विरुद्ध में अप्रजातांत्रिक कदम का विरुद्ध निरंकुश कदम का विरुद्ध में संघर्ष को मैदान में आप उपस्थिति देखा केपी चाहन 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 वाली नाम तले बढ़त में था हूँ वास्तव में वहां को नाम को पछाड़ी उड़ा एटा क्या कुछ के भने को खड़ग वहाँ ले प्रहार कर रुबा कोचा संविधान माथी खड़ग प्रहार कर रुबा कोचा पार्टी माथी खड़ग प्रहार कर रुबा कोचा लोकतंत्र माथी खड़ग प्रहार कर रुबा कोचा राम रो देश को स्थाई तो माथी खड़ग प्रहार कर रुबा कोचा तीसरा नाले में भन्ना चाहन चों ये इसका विरोध मार लेना लड़ी का नारकों ते यहाँ उपस्थित भे संपूर्ण आदरणीय जनसमुदाय विशाल उपस्थिति का जुजारू भावना का तब है है हाँ पार्टी को तरफ बड़ क्रांति लाल सलाम को अभिवादन करना चाहिए आज को यह उपस्थिति मैं जन आंदोलन को झर्को दी रह बारहसत्ती त्रिशती गोआन दोनरमा जैसेरी जनता हरो लाखों लाखों संख्यामा देशे ही भरी जागे काथिए शिंगो कास्ट आंदोलित आंधरित बनाए काथिए तेशे झलको आज देखी एको चा तेशे ही ले माइले कास्टिंग मात्रे हो अजाई फिल्म शुरू होना बाकी नहीं तेनाली बुझी जनता जनताले, को ले के मं भूरा का को राम हिसाब किताब करो व्यक्ति नेम को मूल्यांकन ठीक करीक राम्रो कम्युनिस्ट पार्टी भि छिरे मंत्री बदमाशी कर तेलाई दंड र सजाए दिनचान त्यो दंड सजाए पहले पार्टी भीतर बड़ा हमले शुरू करें हूँ केपी वलीलाई कम्युनिस्ट पार्टी को अध्यक्ष पद बड़ा निष्कासन करें हूँ अब हमें वहाँ लाई कम्युनिस्ट पार्टी को सदस्य बने हुना लायक न भाई को ना ले अनुशासन को कार्रवाई करना कलागी का इस पश्चिम स को जवाब दिभा मत अर्खर आर्खेत मूँ कर्णाली प्रदेश आत चिट्ठी आईहाल कि जवाब आईहाल कि भग कु हमारा अध्यक्ष कर्मण प्रचंडसंग कर्म नारायण काजी श्रेष्ठसंग कम झे झेन खनाल तेज सो आईहालों की कतई सुध्रेको कुनै कागज आएको छ कि गल्ती गरेको छु भनेर कतै स्वीकार गरिहालेका छन् कि कतै कतै माफी नै मागेका छन् कि कतै प्रतिसभाको विघटन गर्नु गलत हो त्यो पुनस्थापनाको निम्ति म पनि जुलुसमा सामेल हुन्छु बडा भनिहाल्ने हुन् कि मान्छेले गल्ती गर्छन् अपराध गर्छन् अनि समयमा सचिन्छु भन्छन् भने केही समय जेलमा राखेर रा, फेरि निकालौँला केही पनि फरक पर्दैन होइन भने सुरुमै माफी दिउँला केही फरक पर्दैन तर एउटा कुरा कसैले पनि भ्रम नराख्नुहोस् फेरि केपी वलीसँग यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले झुक्ने कुनै काम गर्ने छैन र अहिले फेरि संगसंग जाने स्थिति बनला कसैले भ्रम पाले होना अतिपय पार्टी को मन में शंका लगे ये कतई नाटक तो यी कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मिलने त होना कतई हमीर धोखा तो दामी मूल्य को राजनीति विचार को राजनीति हमारा केपीजी का दुई तीनवट भूमिका अलग अलग मूल्यांकन रूपमा अध्यक्ष कस्तो भूमिका खेल्न भर पाटी भीत व्हाले कसो विधी बसल खोज्ञ पाटी का, कस का, कस का सिद्धांतला कसरी मिचून भर पाटीला कसरी मृत्यतुल्य बनावून भर पाटीला कसरी कागजमा सीमित झंड झंड पार्टीलाई सिध्याउने काम कसरी किस को एटा समीक्षा करूंला प्रधानमंत्री को रूप में वहाँ देश कसरी भ्रष्टाचार को दिशा में लगून भो जनता का समस्या कसरी व्यवस्था करू ती विषय में कसरी छलफल करना चाहूँ भेन को बेग्ल समीक्षा करौंला अं संसद कसरी व्यवस्था करू संसदीय दल लाई कसरी अवमूल्यन कर पनि छुट्टे मूल्यांकन समीक्षा कराऊला वहाँ ले प्रतिपक्षी पार्टी सँग कस्तो व्यवहार करू विभिन्न देश का विदेशीर संग को संबंध लगना खोज्भ ये सब को एवट निष्कर्ष के होने सब को निष्कर्ष के भने केपी वली होइनन् केपी होली कम्युनिस्ट आदर्श को निम्ति समर्पित होने मं हो केपी वली सामूहिकता में विश्वास करने मं हो वहाँ में कम्युनिस्ट चरित्र को छयकरण सुरू भो छयकरण सुरू भो यहाँ देखी रहु दुई नंबर प्रदेश से लोकसभा आयल है अपने सब के हम क्रांति लाल सलाम कर रहा सारा मधेश उल्टी रहा यहाँ इसे गरी सब देखने होने सबले मूल्यांकन करी सब कोण मूल्यांकन करीस संविधान का धारा धारा को अध्ययन धारा पचासी पढ़ऊ धारा छिहत्तर पढ़ऊ छिहत्तर को एक दुई पिहत्तर को सातनी हर धारा में टिकन न सके संविधान को प्रावधान में टिक्न न सके हमारा ओलीजी ने क्या करे धारा को उल्लेख नगरिकन राष्ट्रपति का चिट्ठी पठाया रहे सर्वोच्च अदालत बाुले सर्वोच्च अदालत में गई चिट्ठी को पोल खुले हतार हतार तो चिट्ठी गायब पार खोजी हल्ला मैं सुने को संविधान को प्रावधान में संविधान में लेखी कागज लेन वहाँ ले राष्ट्रपति को नाम जो सूचना जारी कर राष्ट्रपति कार्यालय तैं के को, संविधान को धारा को साथ साथ अर्को शब्द थप अंतराष्ट्रीय अभ्यास कुन अभ्यास देखो, ब्रिटेन को अभ्यास को? को देखो, को को? ब्रिटेन में पांच वर्षसम संसद विघटन करना पाइदन अंतरराष्ट्रीय अभ्यास को कुरा श्रीलंका में मनपरी ढंग ने विघटन करना पाऊद ये अभ्यास को, को, हो? को अभ्यास चाहिए अभ्यास के हो। बने प्रधानमंत्री आप हिसाब से संसद विघटन करना थाना संविधान सभा में हमें छलफल ग्यौं समिति में व्यापक छलफल भो समिति को रेकर्ड अ हो संपत्ति समिति में बहस को, को रेकर्ड सुन्ने होने के लेखे को अब देखने को बहुमत प्राप्त कर प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री नियुक्त नगर को अवस्था त्यो स्थिति मत हो बहुमत प्राप्त कर प्रधानमंत्री संसद विघटन करना पाने छोट यो प्रधानमंत्री को कदम गैर संविधानिक हो गैर संविधानिक मात्र होइन हो हामी भ संवैधानिक कु हो यो यो कु हो पहिले पहिले सुन्थ्यौँ हामी राष्ट्रपतिले कु गरे रे हामी सुन्थ्यौँ हामी अरू असंवैधानिक तत्त्वले कु गरे रे अहिले त निर्वाचित व्यक्तिले नै संवैधानिक कु गरेका छन् संसारमा निर्वाचित व्यक्तिहरू पनि तानासा हुँदा रहेछन् हिटलर ई हिटलर को बारे में तहला चुनाव बड़ा आया थे चुनाव आई चुना सके उनका अहंकार पड़ना थाले जम्मी थाले एकलौटी था तानाशाही थाले उनको कारण लेप में दुई करोड़ भाई बड़ी मानस केपी ओली हिटलर को बाटो में हिड़ने हिटलर ही नाजीवाद का त्यसो हुनाले यिनका विरुद्धमा हामीले जानु पर्दछ जानुपर्दछ हिटलरले नाजीवादका नेपाली संस्करण केपी ओली के, के यहाँ नेपाली जनता तपाईँसँग डराएर थरथर कामेर अनि तपाईँका सामु नतमस्तक हुन्छन् हुँदैनन् तपाईँका कोही दास छैनन् हामी स्वाभिमानी नेपालीहरू आफ्नो भाग्यको फैसला हामी आफैले गर्न सक्दछौँ र गरेका पनि छौँ संविधान सभाको माध्यमबाट विगत का अभ्यास ध्यान में राखर रा। संविधान निर्माण कर संविधान ने की स्थायित्व को सुनिश्चितता संविधान नियंत्रण सतुलन को सिद्धांत अगड़ी सारे यो संविधान विधि को आधार में देश चल् पर्द भाग तम समय ना कमरे घनश्याम भूषाल केपी ओली को के सरकार में मंत्री हो वहां अनुभव ना, वहाँ ले मंत्री को कति हुए गुण्य वहां वहाँ ले सब पावर को कसरी कंसनट्रेशन करहाँ बार सुन कसरी राज्य का महत्वपूर्ण निम्म आप डाइरेक्ट माफत में राख् भो ती सब केपी ओली तानाशाही स्वरूप निरंकुश चरित्रवाद ल तब बुझ् सकूँ हमी एकाधिकारवाद को विरुद्ध में छी प्रत्येक व्यक्ति संविधान को अधीन में कामून को अधीन में पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति पार्टी को विधान को अधीन में रहन् तर केपी ओली विधानभंदा माथि ठान्ने ठाने सर्वे सर्वा कहिले कहीं नियम को पालन नगर्ने यस्तो व्यक्ति वास्तवमा दुर्भाग्य भनौँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छिरेछन् पार्टीमा छिरेछन् छन् म सँगसँगै झन्डै पचास वर्षदेखि काम गरेका मान्छे जहिले पनि हैरान मात्रै गर्ने जहिले पनि दुःख दिने मैले थुम्थुम्याउने मैले फकाउने मैले मिलाउने कण प्रचण्डले पनि अब आफ्नो समयमा बोल्नु होला उहाँको म भाषण नगरिहालहाँले पनि त्यस्तै जहिले पनि बिहान बोलाएको छ बालुवा टार हाजिरी गर्न जाने बेलुका बोलाएको छ बालुवा टार हाजिरी गर्न जाने राति दस बजे बोलाएको छ बालुवा टार जाने हामीलाई त दिक्कै लाग्थ्यो अनि उहाँले पहिले मिलाऊँ सम्झाउँ मिलेरै जाउँ धेरै कोसिस गरौँ भयो हामीले पनि धेरै कोसिस गऱ्यौँ तर उहाँ वहाँ को आदेश पालन नगरे सम्म र आदेश पालन करना लगने आदेश पालन नगर्द खरी वहाँ पार्टी सिस्टम जम्मी भत्काने काम करने यो तो चरित्र को मं होना मानस को चरित्र कस्ट मूल कुरा हो उसे कस्ट प्रवृत्ति अपना कुरा प्रमुख हो राम राकुरा छन राम राकुरा लाई राम रो भन्नु पर्छ न राम राकुरा छन त्यसको आलोचना गर्नु पर्दछ र पार्टी सिस्टम भनेको के हो भने प्रत्येक नेतालाई निगरानी गर्छ पार्टीले सरकारलाई पनि निगरानी गर्छ पार्टीले प्रांतीय प्रदेश सरकारलाई पनि निगरानी गर्छ पार्टीले नगरपालिकामा कस्तो काम भइरहेको छ त्यसको पनि निगरानी गर्छ तर केपी ओली अध्यक्ष भएसम्म पार्टी पनि चलेन कहीँ पनि निगरानी भएन कहीँ पनि मूल्याङ्कन भएन र यो मुलुक साँच्चै भन्नुहुन्छ के भने केपी ओलीका गफले मात्रै गफ र उखान टुक्काले मात्रै चलिरहेको थियो जनतालाई झुठा आश्वासन धेरै बाँड्ने हामी भन्ने गर्दछौँ आश्वासन कम बाँड्नुहोस् काम गरेर देखाउनुहोस् हामी भन्ने गरेका थियौँ संभव भएका कुरा मात्रै गर्नुस् यो सम्भव नहुने कुरा नगर्नुस् भाइपछि पछि 10 वर्षपछि हुने कुरा निम्ति अहिले नै ठुलठुला वचनहरू नदिनुस् अहिले गर्न सकिने काम गर्नुस् अहिले कोरोनाले जनता पीडित छन् त्यो पीडित जनतालाई कसरी हामी रोगबाट मुक्त गर्न सक्छौ हामीले भनौ हामीले भनौ भोोकले मानिस पीडित छन् ती मानिसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने

बैठक बसे आज से बालुआ तार मां कुरेरा बसे कासो हमी अब वलीजी आउलान 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 मनो वलीजी रेतेंग वड़ा आदेश दें चन अब बैठक आज अगो बैठक सीधे कैंसर भागो चा बैठक बस आदेश आदेश सारा नेता बसे कासो निष्ठाई कमिटी के नेता बैठक उनले, उनले खारेज उनले खारेज बने खारेज खा� उनले बस्ने भनेपछि बस्ने अनि प्रचण्ड कमेड फेरि कुद्दै जाने उहाँको निवासमा उहाँको ओछ्यानमा ओछ्यानमा गफ गरेर बसिरहनुहुन्छ तर बैठकमा आउन तयार हुनुहुन्न त्यसो हुनाले हामीले उहाँले प्रचार गरे जस्तो यो कुर्सीको लडाइँ झगडा गरेका होइनौँ उहाँले प्रचार गरे जस्तो यो कुर्सीको तानातान होइन हाम उहाँले झुक्क्याउनका लागि भने जस्तो मलाई घेराबन्दीमा गरे मलाप तैयारों पारे मेरो हुर्मत लिए मलाई काम करना दिए नन मेरो हाथ खुट्टा बांधे ये सफाई गलत कुरा हो वहाँले रामरो काम करदा खेरी हाँ मिले रामरो न रामरो काम ले करदा जनता में धेरे आलोचना आए पशे हाँ मिले भने हूँ कि जनता का कुरा सुनाऊँ जनता को आलोचना सुनाऊँ जनता को भनाई सुनाऊँ अ त्यसलाई पनि ध्यान दिउँ यिनै कुरा उहाँलाई पछेन यिनै कुरा उहाँले पचाउनु सक्नु भएन अनि उहाँले देख्नुभयो कि अब उहाँले मन परि काम गर्नका लागि अब छुट पाउने अवस्था छैन सबैले बुझ्न थाले पार्टीभित्र पार्टीभित्र थोरै मान्छे त उहाँका आशे पासे पनि छन् तर अधिकांश मान्छे बिस्तारै उहाँको भ्रमबाट मुक्त भए चार सौ एक चालीस जना को केन्द्रीय कमिटी भि तीन सौ भाग बड़ी व्यक्ति वहाँ को रवैया बड़ा आजित वहाँ को पक्ष में सब सना वहाँ को पक्ष में हो कि तीन सौ धेरे हो तीन सौ बड़ी हो बड़ी केपी पार्टी में बहुमत भैन यदि सात सौ पार्टी को व्यवस्था मे लोकतंत्र को मूल्य रनवादी परंपरा लनवादी केन्द्रीयता को सिद्धांत लाई मैं वहाँ ले जब आप पक्ष में बहुमत छेन पार्टी को अध्यक्ष पद खुरुक्क राजीनामा दिखो जब संसद को बहुमत वहां को पक्ष में छेन कृति सभा को एक सौ त्रिहत्तर जना सदस्य मध्य एक सौ त्रिहत्तर जना सदस्य मध्य त्रियानबे जना मे वहाँ का विपक्ष में उभ सके अनि सीघो संसद में प्रतिपक्षी पार्टी विरुद्ध में उठी सके वहां को विपक्ष में अत्यधिक बहुमत भैसे वहां नैतिकता को आधार में राजीनामा दिखो तर वहाँ कस्ट तो मंभर में विवाद भयो घर का सब मंेला सब्ध्याईदिने घर में झगड़ा भयो घर में आगो लगाईदिने पार्टी में समस्या भयो पार्टी नहीं सीध्याईदिने अने प्रति सभा में अप्ठारो पर्यो प्रति सभा ने नहीं दिने वहाँ नरसंघा कारी मात्रा भी नरसंघार कारी हो किसी वाले साइबर सेना मन पर्चा अरिंगाल मन पर्चा वहाँ वाले राम रुकुरा है ना अरिंगाल हर गोलो मन पर्चा वहाँ इस तो प्रवृत्ति को मानिशो किसी हमी यो प्रवृत्ति का विरुद्ध मालडी रहेगा चाऊ रतियो प्रवृत्ति बड़ा मुक्त होनु पड़ता

जीते को मान से लाय हराया रा नया काउंटिंग शुरू करे रा हराये को तब मैं था चा त्रपंतो पीड़ा हमेंले सही आऊं सही आऊं सही आऊं हमेंले पार्टी को निम्ति जम्मे ही कुराला ही मरमा रखे रा केपी वाली सुधरी पार्टी एकता भैंसे के पची नया बाटो मजाऊं लावन्ना हमेंले सोचे आऊं कई साथ दुईटा ठूला पार्टी एकताबद्ध भाड़ी बढ़ौं तर वहां कस को पनी मर्यादा रख् भेन बराबरी को हैसियत दौड़ प्रचंड हुमत लिखा दुई नंबर को अध्यक्ष भाध्यक्ष भा बड़ी होमान कर सहमति के भागने दुटे को, को हैसियत बराबर अरकार आधा आधा पालो आधा समय केपी ओली प्रधानमंत्री होने आधा समय प्रधान हुने, अन्य प्रचंड प्रधानमंत्री होने अवटा बैठक को अध्यक्षता प्रचंड वहाँ को एक नंबर नाम होने अर्क को बैठक को अध्यक्षता केपी ओले वहाँ को एक नंबर नाम होने तर केपी ओले इसको पालन करेन सुरूदी नहीं वहाँ का सब काम क्रियाकलापुर सुरूदखि वहाँ का सब व्यवहार अत्यन्त आपजनक थे बेटीकए तईपनी हमी सुध्रिन् कि सुध्रिशन कि कोशिश गर सुध्रीएन सुध्रीएन तेनालीव हमी तरफ कति प्रयास अच्छे पर्दन थोन ठाव में त्रुटि भो योपनी समीक्षा करूर्द कतिपय मैं दोष दिशा तब गणतंत्र विरोधी मंला गणतंत्र आई सके बनाईद प्रधानमंत्री तेल ने केपी को फूर्ती बढ़ते गयो बढ़ तो गलती मीकार करूँ लास्तव में केपी सुध्रीलां कि मैं अवश्यपने धेरे कोशिश कर को समीक्षा भी करूँला तर अ समस्या कहाँ आयोग सी देश संगकट में पड़े सींगो नेपाली जनता भोलि को भविष्य के होला होने कु में चिंतित संवैधानिक संगकट आकई राज दल विरुद्ध में संघर्ष को मैदान में उतरि सब ठावी हम देखी रह का का कार्यकर्ता आंदोलित सं आम जनसमुदाय आंदोलित सं अस्ट हम पोखरा गई गंडकी प्रदेश को भेला भो विशाल कार्यकर्ता को उपस्थिति कार थी हम दांग दांग में हमी विशाल कार्यकर्ता को भेला बर्दिहां आशा थी बर्दिहा प्रांगण में कार्यकर्ता पांच हजार को संख्या में कार्यकर्ता को भेला भो बाईर हिजो सुर्खेत को बजार में कार्यकर्ता जनता को जो विशाल उपस्थिति थी उपस्थिति बताऊँ मेची देखी महाकाली सब जिला रिपोर्ट हमारी एक नंबर प्रदेश में तस्त नंबर प्रदेश में तस्त रिपोर्ट पाइप सिंगो तीन नंबर प्रदेश यो बागमती प्रदेश में अनि चार नंबर भनिए को गंडक प्रदेश में अनि पांच नंबर भनिए को लुम्बिनी प्रदेश में छ भनिए को कर्णाली प्रदेश में सात भन्ने गरिए को सुदूर पश्चिम प्रदेश में अनि देश भित्र मात्र होइन अरु प्रवासी नेपाली को माझ में मा पनि आंदोलन को भावना जागिरहेको छ जनता आंदोलित भइरहेका छन् कार्यकर्ता को ठूल संख्या पार्टी कमिटी में आबद्ध भैया जिला कमिटी में तो भाग तल्ला कमिटी में प्रदेश कमिटी में सब तह अत्यधिक बहुमत का संख्या अलग यो मूल पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेक पा। जिस को अगुवाई हमी केपी ओली सब सानो अरिंगाल को झुंड मत अरिंगाल को गोलो मत साइबर सेना मात्रै छ त्यसुनाले त्यो साइबर सेनाले यो विशाल फौज को सामना गर्न सक्दैन त्यसुनाले हामीलाई विश्वास छ कि राज्य का सब निकाय हर ले। मूल पार्टी को रूप में सूर्य चिन्ह को ज्वाला अहिले दनकी रहेको छ सूर्य को ज्वाला दनकी रहेको छ सूर्य को ज्वाला में भस्मीभूत पारिने ती अरिंगालहरुलाई किी साइबर सेना ख्याल रहोस् दुई हजार सड़चालीस साल में तक सूर्य चिन्ह प्राप्त करूर्यचिन्हना का लगी तत्कालीन समय पार्टी को ने मैं खटाक थी निर्वाचन आयोग में गए सूर्य चिन्ह लियाने मं मैं यहाँ जीवे छू तेनाली माया ममता कसई को हम्रो गणतंत्र हमले लिया गणतंत्र प्रति को माया ममता कसई को हम संघीयता प्रति को प्रतिबद्धता हम ममता केपी ओई छाइन समावेशिता प्रति को माया ममता हमी आंदोलन को मैदान में रगत बनाने योद्धा घाइते योद्धा समझिरा छु बेपत्ता परिवार ती सब योद्धा जिससे आज समय परिवर्तन को महान आंदोलन में आपको जीवन बलिदान करूक आप जीवन समर्पित करूँ वहाँ को योगदान मजीरा मन चाहूँ सब पार्टी हर सब लोकतांत्रिक पार्टी हर तब हम एकताबद्ध भाड़ी बढ़ाऊ नागरिक समाज मगत करना चाहूँ धन्यवाद दिन चाहूँ तबघन भाव हमीर संपादक मित्र हमी हम भेटा थे मिडिया कर्मीसँग भेटेका थियौँ उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभएको थियो तपाईँहरूले वास्तवमा आत्मसमीक्षा गर्नुहोस् जनताका सामु स्वेत पत्र जारी गर्नुहोस् र जनतालाई बनाउ बताउनुहोस् कसरी केपी ओली जस्ता पात्र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छिरे यो ओहदामा पुगे यत्रो भष्मासुर चरित्र देखाए भस्मासुरले तपाईँलाई थाहा छ शिवजीले नै भस्मासुरलाई जन्म दिए भस्मासुर देखेपछि शिव भागा भाग भस्मासुरले आफूलाई आशीर्वाद दिने शिवलाई नै भस्म पार्न खोजे अन्तमा के शिवजीले भस्मासुरलाई भस्म पार्टीले बनायो ओली भस्मासुर भए अब त्यही पार्टीले केपी ओलीको भस्मासूरे प्रवृत्तिलाई समाप्त त्यसो नले तपाईँहरू यही पार्टी को पक्ष में दृढ़ता का साथ उभिनोस प्रतिसभा को पूर्व बहाली होने तेरी हमी पार्टी, मूल पार्टी जनता को मजमा जाने को हम को कार्यक्रम लियानेक्रम हमें घोषणा पत्र को मध्यमटी कर समीक्षा करने आम जनता को हित का निम्ति आम जनता को दुख कष्ट अंत्य करना का शोषण उत्पीड़न लाई समाप्त पर्ना का विभेदला भी अंत्य करना का लगी कसरी जनता को जीवन लुखी बना का सब खाल का महिला हिंसा अंत्य करना का लगी दलित माथि को अत्याचार समाप्त पार का लगी मधेशन मदेशी या मुस्लिम हु या थारू समुदाय हो आदिवासी जनजाति होंग या शारीरिक रूप में अपांग ती सब व्यक्ति ती सब दुखी गरीब जनता बेरोजगार युवा युवाओं पढ़ना पा ती विद्यार्थी भाई बहना ती सब पुराना पाका पुराना हमारा ज्येष्ठ नागरिक ती यो पार्टी ने नहीं अवश्य राो काम करने का कमी कमजोरी सुधारे आगामी दिन में हमें फे केपी ओली को भस्मासूर्य प्रवृत्ति परास्त कर नया शक्ति का साथ नया ऊर्जा का साथ नया संकल्प का साथ हमी अगाड़ी बढ़ने बाचा कबूल करते म फेरी तब क्रांति लाल सलाम का अभिवादन करतव्य अंत्य कर चाहूँ हस्त धन्यवाद लाल सलाम <laughs>